हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नवीन तिवारी। कल मैंने क्लास 8th की यहाँ पर जो है सेल्फ प्रैक्टिस 8B की वीडियो बनाई थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी थी। आज क्लास 8th की सेल्फ प्रैक्टिस 8C की वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। इसमें यहाँ पर जो 8C में है वो है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। अब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सबसे पहले इसके बारे में आपको कुछ फॉर्मूले जानने होंगे कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस क्या कब होता है। ये प्रॉफिट और लॉस का जो होता है बिजनेस वालों के लिए होता है, ठीक है। कोई भी सामान बेचते हैं तो प्रॉफिट में बेचते हैं, यदि सामान खराब है तो उसको लॉस में भी बेचना पड़ सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मतलब होता है लाभ जिससे हमें फायदा होता है, लॉस मतलब होता है हानि जिससे हमें नुकसान होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सम फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले 8C स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को CNP, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CP। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस लागत पर कोई भी शॉपकीपर मतलब दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस मीन्स CP, सी मतलब कॉस्ट, पी मतलब प्राइस, लागत जिस लागत पर वो खरीदता है। सपोज एक बुक सेलर है, उसने एक बुक खरीदी 50 रुपए की, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हुई। अब बुक सेलर कॉस्ट प्राइस जो होती है वो लागत जिस मूल्य पर जिस लागत पर शॉपकीपर किसी चीज को खरीदता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सपोज एक दुकानदार है, उसने 10 रुपये में एक पेन खरीदी तो 10 रुपया उसकी कॉस्ट प्राइस हुई। अब उस पेन को वो 12 रुपये में बेचेगा तो 12 रुपये क्या होगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस मूल्य पर कोई चीज बेची जाती है, सेल की जाती है, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज द अमाउंट एट विच शॉपकीपर बाय हिज गुड्स। गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान हो सकता है, कॉपी, पेंसिल, रबड़, ठीक है। यहां पर कोई भी सामान, गुड्स सामान को गुड्स कहा जाता है, ठीक है। CP इज द अमाउंट एट विच शॉपकीपर बाय हिज गुड्स, जिस कीमत पर दुकानदार किसी गुड्स को सामान को खरीदता है उसको CP कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस इज द अमाउंट एट विच ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स, जिस कीमत पर दुकानदार अपने गुड्स को बेचता है, गुड्स मतलब सामान को बेचता है। सामान मतलब कॉपी भी हो सकती है, पेंसिल भी हो सकती है, रबड़ भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी सामान हो सकता है, मार्कर हो सकता है। तो जिस सामान पर वो बेचेगा, ठीक है, कस्टमर को बेचेगा, वो उसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस। दुकानदार की तो सेलिंग प्राइस होगी लेकिन हमारी क्या होगी, वो कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। एक चीज जो खरीदता है उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस होती है, जो बेचता है उसके लिए क्या होती है, सेलिंग प्राइस। अब दुकानदार जहां से लाता होगा तो जो दुकानदार को देता है होगा तो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस जहां से वो लाता होगा, और जहां से दुकानदार खरीदता होगा उसे उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो एक चीज एक की कॉस्ट प्राइस होगी तो दूसरे की सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस किसकी होगी, जो खरीदेगा उसकी कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस किसकी होगी, जो बेचेगा, तो ये सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट होता है लॉस होता है। प्रॉफिट कब होगा, यदि हम यहाँ पर ज्यादा कीमत पर बेचेंगे, खरीदेंगे कम पर और ज्यादा में बेचेंगे हमें प्रॉफिट होगा, और हम खरीदेंगे ज्यादा पर और बेचेंगे कम पर तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP - CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट को गेन भी बोला जाता है, गेन मतलब होता है लाभ, हिंदी में बोलते हैं लाभ। प्रॉफिट मतलब लाभ, गेन मतलब भी लाभ। तो प्रॉफिट क्या है या गेन क्या है, एक ही चीज है, प्रॉफिट एंड गेन एक ही चीज है। एंड लॉस क्या होगा, लॉस के लिए CP बड़ी होगी और SP छोटा होगा, तभी तो लॉस हो रहा है। CP बड़ी होगी और SP छोटा होगा तो लॉस में यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कुछ इसके परसेंटेज निकालने पड़ते हैं, जैसे हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल, प्रॉफिट परसेंट और गेन पर, चाहे प्रॉफिट परसेंट कहें चाहे गेन परसेंट कहें, दोनों ही क्या है, एक ही चीज है। तो प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट पर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, अगर गेन होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट की जगह गेन आ जाएगा, गेन इंटू 100 अपॉन CP।
एंड लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, वही चीज लॉस इंटू 100 अपॉन सी, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रॉफिट या गेन परसेंट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सपोज हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है और गेन परसेंट दिया है, तो सेलिंग प्राइस दिया गेन परसेंट दिया है तो उससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। या इसी में यदि हमें लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज जो है सेल्फ प्रैक्टिस सी है। देखिए कैसे इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसको सेल्फ प्रैक्टिस सी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 8C, 8C में फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ एन आर्टिकल प्रोड्यूस फॉर रुपीज 225 विथ ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 15 इज सोल्ड। ओवरहेड, ओवरहेड का चार्ज होता है, जैसे ओवरहेड मतलब जैसे हमें भाड़ा देना पड़ता है ना, वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस में ही शामिल होता है। जैसे फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ एन आर्टिकल परचेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल परचेज करा रुपीज 225 और इसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड, ओवरहेड क्या होता है, जैसे किसी सामान को यदि कोई भारी वस्तु, कोई गुड्स है, भारी सामान है, तो उसको लाने के लिए भाड़ा देना पड़ता है, या तो ट्रक का भाड़ा या गाड़ी का भाड़ा या कोई लेबर हमने लगा दिया उसका भाड़ा, तो ये भी किसमें शामिल होता है, कॉस्ट प्राइस में शामिल होता है, ओवरहेड चार्जेज होता है। ठीक है, कोई भारी यदि हमारे पास गुड्स सामान है उसको हमें अपनी दुकान तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें या तो मेट लगाना पड़ेगा या मजदूर लगाना पड़ेगा कोई जो उसको वहां तक दुकान तक पहुंचाए, तो उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वो ओवरहेड चार्जेस होता है, ओवरहेड चार्ज, ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये ओवरहेड एक्सपेंसेस आपका है रुपीज 15, तो 225 रुपए का कोई गुड्स सामान है, 15 रुपया ओवरहेड चार्ज हो गया, तो टोटल जो सीपी आपकी आएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस जो आएगी, ये आपका आर्टिकल में ओवरहेड ऐड कर देंगे, 225 प्लस 15 ओवरहेड चार्जेस में ऐड किया जाएगा, ये आपका आ जाएगा 240 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस आपकी 225 नहीं होगी बल्कि 240 होगी ओवरहेड चार्जेस जोड़ने के बाद जो आएगा, ओवरहेड एक्सपेंसेस 15। इस सोल्ड रुपीज 300, एसपी, एसपी मतलब सोल्ड मतलब बेच दिया, सेलिंग प्राइस है आपकी 300, तो दुकानदार ने क्या करा 240 रुपए में गुड्स सामान को खरीदा और 300 रुपए में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो इसका हमें प्रॉफिट परसेंट, पहले तो आप देखिए इसमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 240, सेलिंग प्राइस क्या है 300, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले आप प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट इक्वल टू, ये फॉर्मूले मैंने पहले बताए थे अभी, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी आप करेंगे 300 माइनस 240, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज 60, तो रुपीज 60 का क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको अभी, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी या गेन, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी, प्रॉफिट एंड गेन दोनों सेम है, तो प्रॉफिट आपका क्या हो गया 60 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, इंटू 100 अपॉन सीपी कितनी थी 240, ओवरहेड ऐड करके जो है 0 से 0 कैंसिल, 6 से आप 24 को काट सकते हैं 4 टाइम, 4 से आप इसको काट देंगे 25%, तो हमें इस आर्टिकल पर, इस गुड्स पर 25% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 25% का। अगर हम 240 की किसी सामान को 300 रुपए में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट होगा।
ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ज्यादातर शॉपकीपर्स के लिए होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, दुकान से रिलेटेड शॉपकीपर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर ₹960 ए मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एसपी आर्टिकल भी वही हुआ, कोई भी गुड्स सामान को आर्टिकल भी कहते हैं, एसपी ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹960 रुपया आपको आर्टिकल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस दी है, इनका लॉस इसमें हो रहा है 4%, लॉस कितना हो रहा है 4%। जब इतने में सेलिंग की गई तो लॉस हुआ 4%, आपको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, क्या होगी, देखो इसको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, ये आप सीपी निकाल सकते हैं। अगर सपोज इसी में प्रॉफिट हुआ होता तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आ जाता, क्या जाता 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, लॉस होगा तो माइनस आएगा, बस इससे आप इजीली निकाल देते हैं। इसमें आपका 960 एसपी है, कितना है 960 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 4, तो ये आपका आएगा 960 अपॉन, ये आपका आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 96। आप देखिए आप इसको काट सकते 96 से जीरो ऐसे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1000 रुपीज। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 1000 रुपीज, सेलिंग प्राइस क्या है 96, तभी तो लॉस हो रहा है। सीपी जब ज्यादा होगी एसपी कम होगी तो लॉस होगा, एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा तो प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। जो इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो अब देखिए इस पर डिपेंड है, लेट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस डिपेंड कर रही है किस पर, सेलिंग प्राइस पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो यहां पर लिख लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, आप सेलिंग प्राइस को एक्स मान लीजिए, ठीक है, लेट सेलिंग प्राइस बी इक्वल टू एक्स, देन सीपी इज इक्वल टू 80% ऑफ एसपी, सीपी इज इक्वल टू 80% ऑफ एसपी, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, या आपको इट इज गिवन यहां पर दिया है कि सीपी जो है 80% है एसपी का, तो आपकी सीपी क्या आ जाएगी 80/100 मल्टीप्लाई एसपी, आपने क्या ले रखा है एक्स ले रखा है, तो सीपी आपकी हो जाएगी 8x/100। अब आप देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहे कर ले, 4 × 2 = 8, ये आपका आ गया 2x/25। अब आप प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट जैसे कि हम प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा 2x/25 एंड सीपी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी एसपी आपका क्या है एक्स है और सीपी क्या है 2x/25, तो आप 25 एलसीएम लेंगे, 25x माइनस 2x
23x अपॉन 25, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, जैसे कि फॉर्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 23x अपॉन 25 इंटू 100 अपॉन सीपी कितनी है, सीपी आपकी है 2x अपॉन 25, 2x अपॉन 25। अब देखिए क्या करेंगे आप, 25 से इसको काट सकते हैं 4 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 23x और 25 आपका न्यूमरेटर में चले जाएगा अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसको काट सकते हैं 2 टाइम्स और ये आपका आ जाएगा 23 इंटू 50, समथिंग रॉन्ग जैसा लग रहा है, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर 80% ऑफ एसपी था, मैंने बाय मिस्टेक 8 लिख दिया है, इसलिए ये यहाँ पर थोड़ी सी रॉन्ग हो गया, सॉरी ये कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं थोड़ी सी सुधार कर देता हूँ। इसमें ये 8 अपॉन 100 हो गया, बल्कि होना क्या चाहिए था 80 अपॉन 100, मिस्टेक बाय कैलकुलेशन, इसको कहते हैं मिस्टेक बाय कैलकुलेशन। तो 80 अपॉन 100 इससे कैंसिल हो गया, 24 जा 8, 25 जा 10, ये आपका आएगा 4x अपॉन 5। अब आप निकालेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो एसपी आपका हो गया x माइनस 4x अपॉन 5, तो 5x माइनस 4x, तो आपका क्या जाएगा x बाय 5, इतना प्रॉफिट हो गया। अब इसको प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट को पी से इंडिकेट भी करते हैं, इंटू 100 अपॉन सीपी, तो प्रॉफिट कितना हुआ एक्स बाय 5 इंटू 100 एंड सीपी कितनी है, सीपी आपके 4x अपॉन 5, 4x अपॉन 5 करेंगे तो ये रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, x से x कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 25%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा आपका 25%। कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाता है कहीं कहीं पर, तो उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4th, 100 ऑरेंजेज आर बॉट फॉर रुपीज 350 एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 48 पर डजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको आपसे इसलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4th है, 100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर रुपीज 200, 100 ऑरेंजेस खरीदे, सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मतलब संतरे, सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस, 100 ऑरेंजेस की जो सीपी कॉस्ट प्राइस दी है वो दिया आपको 350 रुपीज एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 48 पर डजन, 48 पर डजन के हिसाब से बेच दिया। तो पहले आपको जब 100 ऑरेंजेस की आपको सीपी पता है कितनी है 350, तो 100 ऑरेंजेस की ही आपको सेलिंग प्राइस पता करनी होगी, तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा। जितने का यहाँ पर 100 ऑरेंज की यदि कॉस्ट प्राइस पता है तो 100 की सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो सेलिंग प्राइस के लिए यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 पर डजन के हिसाब से 1 दर्जन एसपी ऑफ 1 दर्जन मतलब 12, तो 12 ऑरेंजेस की जो सेलिंग प्राइस है, एसपी ऑफ 1 दर्जन की सेलिंग प्राइस है आपकी 48,
ये 48 जो सेलिंग प्राइस है 12 ऑरेंजेस की है। तो पहले आप एसपी ऑफ वन ऑरेंजेस की निकालिए, इसको 12 में ऐसे कर लेते, वन ऑरेंजेस की क्या हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 12। जब 12 ऑरेंजेस 48 रुपए में आते हैं तो एक ऑरेंज कितने का आएगा, कम के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। अब 350 ऑरेंजेस की एसपी निकालिए, एसपी ऑफ 350 ऑरेंजेस, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 350। अब आपका क्या हो जाएगा, 12 से इसको काट दीजिए, 4 टाइम्स ये आपका आ गया 1400। तो सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस थी आपकी 350 एंड एसपी ऑफ हंड्रेड ऑरेंजेस की आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यहां पे 100 लिखेंगे, 350 तो उसका प्राइस है ना, वो थोड़ा रखेंगे। एसपी ऑफ 100 ऑरेंजेस आपका हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका आ गया रुपीज 400। तो सीपी ऑफ 100 ऑरेंजेस कितना है 350 एंड एसपी ऑफ 100 ऑरेंजेस कितना है रुपीज 400। अब आप बताइए प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा, एसपी ज्यादा है सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है तो इसमें हो रहा है आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू जैसे होता है एसपी माइनस सीपी, तो इसके लिए जैसे आपको 100 की कॉस्ट प्राइस पता है तो 100 की सेलिंग प्राइस भी पता होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा। तो एसपी यानी कि 1 दर्जन की हमें दे रखी है सेलिंग प्राइस, जितनी यहाँ हम 1 दर्जन ले रहे हैं 12 की ले रहे हैं, यहाँ 100 की ले, तो सब बेकार हो जाएगा, कूड़ा कबाड़ हो जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो एसपी आपका हो जाएगा 400 माइनस सीपी 350 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रुपीज 50 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। अब आपको प्रॉफिट परसेंट में इसको बदल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का होगा 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी आई आपकी 350। तो 76% आपका आ जाएगा 7% इक्वल टू इसको आप 100/7 14/2/7% का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिट एंड जितने की आपको सीपी पता है उतनी की एसपी भी पता होनी चाहिए, तभी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट किया जा सकता है, ठीक है। जितने आर्टिकल की प्रॉफिट पता है, जितने आर्टिकल की सीपी पता है, उतनी आर्टिकल की प्रॉफिट, वो सीपी और एसपी दोनों पता होनी चाहिए। जितने आर्टिकल की सीपी पता है उतने आर्टिकल की एसपी भी पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो लेट पहले इसको लेट कर लीजिए क्योंकि इसमें पता तो है नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू रुपीज 1। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को हमने 1 मान लिया, तो 25 द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल एंड सीपी ऑफ 25 आर्टिकल्स की सीपी क्या हो जाएगी बताइए, एक की यदि 1 रुपया है तो 25 की रुपीज 25 आर्टिकल की सीपी जो है 25 है। अब जब कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 25 आर्टिकल, और सीपी ऑफ 25 आर्टिकल कितनी है आपकी 25। इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25, द प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। अब एसपी ऑफ 20 आर्टिकल कितनी है 25, तो आप निकालेंगे एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 20, कम के लिए डिवाइड होता है। आपको जब 25 आर्टिकल की सीपी पता है, आप 25 आर्टिकल की एसपी पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है, एंड एसपी ऑफ 25 आर्टिकल्स, तो आपका हो जाएगा 25 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये आपका आ जाएगा 125 अपॉन 4, कितना जाएगा 125 अपॉन 4। तभी आपको पता चलेगा जितने की आपको सीपी पता है जितने आर्टिकल की, उतने आर्टिकल की जब तक आपको एसपी पता नहीं होगी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं कर सकते, ठीक है। जितने आर्टिकल की सीपी पता है उतने आर्टिकल की एसपी भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पर हमें 20 आर्टिकल्स की एसपी पता था 25 है, तो और 25 आर्टिकल की हमें सीपी पता है 25 है, तो हमने 25 आर्टिकल की ही एसपी भी निकाली। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 125 बाय 4 एसपी माइनस सीपी माइनस 25, तो इसके नीचे 1 करके एलसीएम ले लेंगे 125 100, तो ये आपका आ जाएगा 25 अपॉन 4। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 25 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, कितना है सीपी इज इक्वल टू 25, तो है दिस इज सीपी, 25 टू 25 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 25%। एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ आई परचेस्ड 11 बुक फॉर रुपीज 1000 एंड सोल्ड 10 बुक फॉर रुपीज 1100, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है आपको। तो 11 बुक्स यहां पर 1000 रुपए में खरीदी गई, परचेज मतलब खरीदना, सीपी ऑफ 11 बुक्स, सीपी ऑफ 11 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज 1000 एंड सोल्ड 10 बुक फॉर रुपीज 1100 एंड एसपी ऑफ 10 बुक्स, 10 बुक की एसपी कितनी है, 10 बुक की एसपी है आपकी रुपीज 1100। पहले तो आपको ये करना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज निकालना है। पहले मैंने क्या कहा था, जितने की आपको कॉस्ट प्राइस पता है उतने की एसपी भी पता होनी चाहिए। जैसे 11 बुक हमें बुक की सीपी पता है, सीपी ऑफ 11 बुक्स 1000, तो हमें पहले 11 बुक की हम एसपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एसपी ऑफ 10 बुक्स इतना है, सो एसपी ऑफ 1 बुक्स 1100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10, एंड एसपी ऑफ 11 बुक्स तो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 एंड मल्टीप्लाई 11, तो ये आपका आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा 1210। 11 बुक की कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है, 11 बुक की सेलिंग प्राइस 1210 रुपया है, तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी,
सो प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए जितने की हमें सीपी पता है उतने आइटम की एसपी पता होनी चाहिए। जितने आइटम की सीपी पता हो उतने आइटम की एसपी जब पता होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस निकल सकता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट निकालेंगे पहले एसपी माइनस सीपी, 1210 माइनस 1000 तो आपका आ जाएगा 210, कितना जाएगा 210। अब इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई सीपी, सीपी का मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। 11 की सीपी कितनी थी, 1000 थी, 1000 तो ये आपका आ गया 21%। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी को क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। ओके।